चलब निकल शॉन्टी। क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? शॉन्टी भैया छोटे जले 20 रुपए। अरे उससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फटरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी। मैंने पूरे एक साल तक कॉलेज गया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे। भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि एक की चार आने वाली टॉफी भी बस दो ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा का कर रोएगी। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है सब, फेक एक्टिंग करते मम्मी ये लोग। WWE लगाओ संडे धमाल, वो रियल होता है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है? अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाज आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान।